अगर देखो कि यहाँ पे एक कार मूव एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑन ए रोड, मतलब एक कार जो है कॉन्स्टेंट स्पीड से रोड पे चल रही है, और ऐसे डायग्राम दिया हुआ है, आपको डायग्राम देख के लग रहा होगा ये डायग्राम ऐसे है, ठीक ना। तो ये पॉइंट ए है, यहाँ पर कोई कार है, दिस इज द कार एट द पॉइंट ए, और यही कार यहाँ पॉइंट बी पर भी है, दिस इज द पॉइंट बी यहाँ पे। तो नॉर्मल फोर्स बाय द रोड ऑन द कार एन ए और एन बी दिया हुआ पॉइंट ए पे, तो इन दोनों में मुझे कंपैरिजन करना है, एन ए और एन बी में हमें कंपैरिजन करना है। तो चलो नॉर्मल कंपैरिजन करते हैं। देखो नो डाउट ये सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम है, मोशन ऑन कर्व पे पार्टिकल चल रहा है, तो हर एक कर्वेचर जो होता है सर्कल का पार्ट होता है। जैसे यहाँ सर्कल इमेजिंग करोगे तो यहाँ सर्कल ऐसे आएगा, यहाँ सर्कल इमेजिंग करोगे तो ऐसे आएगा, यहाँ सर्कल इमेजिंग करोगे तो बड़ा सर्कल आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे मुझे क्या होता है सर्कल इमेजिंग करना पड़ता है कर्व पाथ पे, क्योंकि हर पॉइंट का रेडियस अलग अलग है, देख रहे हो हर पॉइंट का रेडियस अलग है। तो अगर मैं यहाँ पे सर्कल इमेजिंग करता हूँ ए पॉइंट पे, तो वो सर्कल थोड़ा सा छोटा होगा क्योंकि कर्व ज़्यादा है यहाँ पे ना, कर्व कम होगा, कर्वेचर कम होगा, तो रेडियस ज़्यादा होगी, स्ट्रेट लाइन की रेडियस इन्फिनिटी आती है, ठीक ना। तो यहाँ पे ये थोड़ा कर्वेचर कम है, तो यहाँ पे सर्कल जो आएगा इस पॉइंट पे सर्कल जो आएगा उसकी रेडियस थोड़ा बड़ा होगी, दैट इज़ द आर बी, और यहाँ पे रेडियस आ जाएगा आर ए, ठीक है। तो आर बी इज़ ग्रेटर देन आर ए, ये हमें डायग्राम से पता चला, लॉजिक से डायग्राम देख के पता चला। अब कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इन दोनों पर वो मैं निकालता हूँ। तो नंबर ऑफ फोर्सेज अगर देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल वर्टिकली अपवार्ड लगेगा, और जो एम जी है वो वर्टिकली डाउनवार्ड लगेगा सेंटर की तरफ, ऐसे लगेगा, ठीक है ना, ऐसे इधर, और नॉर्मल इधर जाएगा और एम जी इधर जाएगा। सेंटीमीटर का इक्वेशन अगर मैं लिखूँ, और स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब ही की वैल्यू सेम है दोनों के लिए, दोनों पॉइंट पर सेम है, तो स्पीड, तो सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स टुवार्ड द सेंटर, तो ये इधर कर्वेचर है तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ है, एम जी माइनस नॉर्मल एन ए दैट इज एम वी स्क्वायर ओवर आर ए, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से एन ए नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी एम जी माइनस एम वी स्क्वायर ओवर आर ए दैट इज एन ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली मैं बी पॉइंट का इक्वेशन लिखता हूँ, तो बी पॉइंट का इक्वेशन लिखो, तो बी पॉइंट पर अगर देखोगे तो एम जी माइनस एन बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर बी, यहाँ से तो यहाँ से तुम ये आ जाएगा एम जी माइनस एम वी ओवर आर बी, और ये वाली जो है वो एन बी आ जाएगा, दिस इज द इक्वेशन नंबर टू। अब इन्हीं दो इक्वेशन को मुझे कंपेयर करके मुझे वैल्यू निकालना है, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है, इन दोनों को कंपेयर करके एन बी और एन ए के में वैल्यू निकालना। देखो एम जी की वैल्यू यहाँ पर देख रहे हो, एम जी की वैल्यू क्या है भाई, कॉन्स्टेंट है, तो एम जी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, तो ये है एम बी माइनस एम बी स्क्वायर ओवर आर दैट इज नॉर्मल है, तो एम जी, तो ये वाली वैल्यू क्या है भाई, ये तो कॉन्स्टेंट है दोनों में, तो ये कॉन्स्टेंट है, तो अगर आर इसकी वैल्यू में आर की वैल्यू अगर मैं बढ़ाऊँगा, आर की वैल्यू इंक्रीज करूँगा, तो इस पूरे की वैल्यू कम होगी, जब आर की वैल्यू मैं इंक्रीज करते करते इन्फिनिटी कर दूंगा तो ये एम वी स्क्वायर ओवर आर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब अगर ज़ीरो हो जाएगा तो अगर उस समय नॉर्मल की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी एम जी होगी, समझ में आ रहा है। तो आर की वैल्यू जैसे मैं बढ़ाऊँगा तो ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू कम होगी तो ये एम जी कॉन्स्टेंट है तो कम कम घटेगा इसमें से, जब कम घटेगा इसमें तो नॉर्मल की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है ना। मतलब आर की वैल्यू अगर मैं बढ़ाऊंगा तो एम बी स्क्वायर ओवर आर की वैल्यू कम होगी, एम बी स्क्वायर ओवर आर की तो नॉर्मल की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ से आर की वैल्यू बढ़ेगी तो नॉर्मल की वैल्यू भी बढ़ेगी, ये बात यहाँ से हमें क्लियर हो गया। मतलब अगर तुम देखोगे यहाँ पे आर, सिंस अब दोनों में कंपेयर करो, आर बी ग्रेटर देन है आर ए से, तो जिसका जिसका रेडियस अधिक है उसका नॉर्मल ज़्यादा होगा, मतलब इसका रेडियस अधिक है तो नॉर्मल की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब ये वाली वैल्यू आर बी अधिक है तो अधिक है, वैल्यू कम है तो कम घटेगी इसमें, मान लो
ऐसे भी समझ लो यार, ये 100 न्यूटन, हाँ ये 100 न्यूटन फोर्स है, फिक्स है एम जी। और अगर तुम यहाँ रहे तो ये वैल्यू कम घटाओगे, मान लो 20 न्यूटन घटाए, 20 न्यूटन घटाए तो नॉर्मल 80 आ गया ना। और अगर आर की वैल्यू कम रखोगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब 100 में से कुछ 40 घटाओगे तो 60 आ जाएगा, तो एन बी ग्रेटर है। तो फाइनली कंक्लूजन में थोड़ा बहुत डिटेल से अच्छे से समझाया हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों बेचारे वो एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। तो एन बी इज ग्रेटर देन, दैट इज सी ऑप्शन सही है। थैंक यू।